नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। बात हो रही है कांग्रेस पार्टी की, जहां इस वक्त बैठकों का दौर जारी है। आखिर कांग्रेस को ऐसा क्या हुआ कि तीन दिन से लगातार बैठकें हो रही हैं? क्या कोई इसके पीछे कांग्रेस की कोई बहुत बड़ी रणनीति छिपी हुई है? क्या कांग्रेस अब बीजेपी को जड़ से उखाड़ने के लिए और अपनी हार का बदला लेने के लिए कुछ नई रणनीति तैयार कर रही है? ये तमाम सवाल है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि आखिर कांग्रेस में हाईकमान के साथ ही इतनी बड़ी टॉप लेवल के नेताओं की बैठकें क्यों हो रही हैं और इसके पीछे क्या कुछ माजरा है। दरअसल कांग्रेस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है। पार्टी का काम करने का अपना अलग तरीका भी है। हर राज्य में पार्टी के सामने अलग तरह की चुनौतियां हैं। संगठन कमजोर है और अंदरूनी जो कलह है वो चरम पर है। हाल ही में आपने पंजाब में देख ही लिया कि कांग्रेस का क्या हश्र हुआ है, और ये जो हश्र हुआ है कांग्रेस का, ये सिर्फ और सिर्फ अंदरूनी कलह के चलते हुआ है। इस बात को दुनिया जानती है। कांग्रेस की हालत इन दिनों उस डूबती हुई चींटी की तरह हो चुकी है, जिसे सिर्फ एक तिनका मिल जाए तो बहुत बड़ा सहारा बन जाएगा। और शायद कांग्रेस को यह लगता है कि उसे डूबने से बचाने वाला वो तिनका जो है वो चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर यानी कि पीके हो सकते हैं। यही वजह है कि पिछले तीन दिन से प्रशांत किशोर के साथ कांग्रेस हाईकमान की बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस पार्टी 2024 के आम चुनाव और उसके पहले होने वाले राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर एकदम एक्टिव मोड पर दिखाई दे रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ मैराथन बैठकों का दौर जारी है। लगातार बैठकें, एक के बाद एक बैठकें, कई कई घंटों की बैठकें हो रही हैं। 18 अप्रैल को जहां कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और पीके की बैठक करीब 5 घंटे तक चली थी, वहीं 19 अप्रैल यानी कि कल पीके की कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के साथ बैठक 7 घंटे तक चली। अब सोचो 7 घंटे और 5 घंटे की ये जो बैठकें हैं ये क्या दर्शाती हैं कि बहुत बड़ी कोई प्लानिंग हो रही है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी अब पीके के साथ साथ एक एक राज्य को लेकर मंथन कर रही है। पीके और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अब एक एक राज्य की स्थिति पर मंथन ये कर रहे हैं कि किस राज्य में उन्हें क्या जरूरत है। उन राज्यों पर फोकस ज्यादा किया जा रहा है जहां पर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 19 अप्रैल को मध्य प्रदेश को लेकर 10 जनपद पर मंथन किया गया। इस दौरान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी मौजूद थे। सूत्रों की माने तो जिन राज्यों में 2024 से पहले विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वहां पार्टी की क्या कमजोरियां हैं, क्या गठबंधन करना है, किस पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करना है, कैसे नैरेटिव सेट करना है, इन सब बिंदुओं पर पूरी तरह से चर्चा की जा रही है। बताया जा रहा है कि 20 अप्रैल यानी कि आज भी प्रशांत किशोर राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। पीके के साथ मंथन के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो अगले महीने राजस्थान में होने जा रहे कांग्रेस के चिंतन शिविर में पीके की ओर से दिए जा रहे प्रेजेंटेशन को लेकर भी बहुत लंबी बैठकें हो रही हैं। आपको बता दें कि लगातार 2 दिन पीके के साथ मंथन के दौरान सोनिया गांधी और राहुल गांधी मौजूद नहीं थे। यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब सवाल यह भी है कि अगर प्रशांत किशोर यानी कि पीके पार्टी में शामिल हो जाते हैं और उन्हें पार्टी में बड़ा कद भी मिल जाता है, बड़ी जिम्मेदारियां मिल जाती हैं, तो क्या प्रशांत किशोर के लिए कांग्रेस का हाथ थामकर अपनी कार्य योजना को अमली जामा पहना पाना आसान काम होगा? शायद नहीं, क्योंकि कांग्रेस में कुछ खामियां हैं जिनका नतीजा 2014 के बाद से आज तक कांग्रेस भुगत रही है। मसलन पार्टी में हाईकमान कल्चर हावी है। बिना हाईकमान के एक पत्ता नहीं हिल सकता। बड़े बड़े नेता धरे के धरे रह जाते हैं, किसी की कुछ नहीं चलती है। हाईकमान का आदेश ही सर्वोपरि होता है, तो यह गलत है। निर्णय लेने में बहुत देरी होती है। ऐसा आप देखते भी हैं कि कोई भी काम हो जाए, जब तक हाईकमान का आदेश नहीं आएगा तब तक उस पर कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा। तो इस तरह के जो निर्णय जो फटाफट लिए जाने चाहिए उनमें देरियां होती हैं, और ये तमाम ऐसी चुनौतियां हैं जिनका सामना पीके को कांग्रेस में आने के बाद भी करना पड़ सकता है।
आज भले ही कागजों पर बड़ी बात हो जाए, आज भले ही बैठकों में बड़ी बड़ी बात हो जाए कि भैया प्रशांत किशोर आप आ जाइए, पार्टी का दामन थाम लीजिए और पार्टी को डूबने से बचा लीजिए, बड़ी बड़ी रणनीतियां बना लीजिए, लेकिन कल को जब प्रशांत किशोर पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो उन्हें यकीनन ये सब बातें झेलनी पड़ेंगी कि उन्हें हमेशा ये झेलना पड़ेगा कि हाई कमान के आदेश के बिना एक पत्ता भी वो नहीं ला पाएंगे। ऐसा होता भी आया है, लेकिन जो पिछले 60 साल में 70 साल में कांग्रेस रही है, क्या आपको नहीं लगता कि वो 10 साल में बहुत बदल गई है? क्या वही कांग्रेस जो हमेशा ऐतिहासिक जीत रचती थी, बड़े बड़े फैसले लेती थी, क्या पिछले 10 साल में कांग्रेस वो कर पाई है? नहीं कर पाई। आप पंजाब को देखिए, पंजाब में कांग्रेस का क्या दबदबा था? पिछले चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ पंजाब में कांग्रेस आई, चुनाव से एक साल पहले तक भी कांग्रेस की बड़ी मजबूत स्थिति थी कि अचानक अमरिंदर सिंह और सिद्धू में कलह हुई, अमरिंदर सिंह को पार्टी से भाग रास्ता दिखाया गया, चन्नी को सीएम बनाया गया, लेकिन चन्नी और सिद्धू खटक पड़े। तो वो सब तमाम ये चीजें ऐसी हैं जो कुनबे की कला है, ये बड़ी खतरनाक होती है। हम जानते हैं कि जिस घर में कई सारे प्रमुख हो जाते हैं उस घर का बंटाधार हो जाता है, और वही अब कांग्रेस के साथ भी हो रहा है, और जो दिखाई भी दे रहा है, नजर भी आ रहा है और महसूस भी किया जा सकता है। अब बात यह है कि जिस तरीके से बैठकों का दौर जारी है, एक के बाद एक बैठकें चल रही हैं, प्रशांत किशोर के साथ मान मनोबल किया जा रहा है, मुख्यमंत्री बुलाए जा रहे हैं जो एक दो राज्य में इनकी सरकार बची है वहां से, और बड़ी बड़ी रणनीति तैयार हो रही है, तो क्या कांग्रेस अगर अपना पिछला रवैया नहीं बदलती है तो आपको क्या लगता है कि 2024 में इज्जत बचा पाएगी? शायद नहीं, क्योंकि कांग्रेस की हालत अब राज्यों में इतनी बेकार होती जा रही है कि जो वहां की रीजनल पार्टीज हैं, जो छोटे दल थे, उनकी सीटें भी कांग्रेस से ज्यादा जाती हैं। आप यूपी में भी देख लीजिए कि यूपी में एक सीट कांग्रेस की आती है तो सोचिए क्या होता है। इतने बड़े यूपी में कांग्रेस अपनी शान के साथ किस तरीके से समझौता कर रही है। खैर, देखना यह होगा कि जो बैठकें चल रही हैं इनका नतीजा अब क्या होता है, कांग्रेस को क्या कुछ अब आगे मिलता है और क्या कुछ होगा। खैर दोस्तों, इस खबर से जुड़ी एक एक नजर हम आपको देते रहेंगे, एक एक खबर से हम आपको बाखबर कराते रहेंगे, लेकिन देश और दुनिया की बाकी हर बड़ी खबर के लिए आप लगातार देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल। और खबर अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारा चैनल इंडिया न्यूज नेशनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ नेशनल।